देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाले परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालने पर सही प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। अच्छा, यदि पासे पर चित प्रकट होता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, और यदि पट पलक प्रकट हो तो असत्य लिखता है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। अच्छा, किसी बुक में यहाँ पे 2 की जगह 12 दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में भी आंसर जो है 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, उसके उसको लेकर दिया हुआ है, तो आप 2 पर और 12 पर दोनों पर देख लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 20 प्रश्न हैं, ठीक है, सत्य सत्य वाले। असत्य विद्यार्थी जो है वह एक सिक्के को उछालता है और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। तो अगर वो चित आता है उस पर तो सत्य उत्तर देता है, और पट आने पर सत्य उत्तर देता है। तो कम से कम 2 प्रश्न के सही उत्तर होने की, या हम 12 प्रश्न को ही ले लेते हैं, आपके बुक में तो 12 के हिसाब से ही आंसर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सत्य और असत्य के निर्धारण करके अगर सिक्के को उछाल रहे हैं तो यह आपका यह बर्नौली परीक्षण हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि सत्य या असत्य का निर्धारण सिक्के को उछाल कर किया जाता है। इसलिए यह बर्नौली परीक्षण है। यह आपका क्या है? बर्नौली परीक्षण है। तो बर्नौली परीक्षण है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना x सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या को प्रदर्शित करता है। यह हम लोग यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सत्य उत्तर देने की प्रायिकता, सत्य उत्तर देने की प्रायिकता, देने की प्रायिकता, एक सत्य उत्तर देने की प्रायिकता की बात करेंगे, तो सत्य उत्तर दे एक नहीं सत्य उत्तर देने की प्रायिकता की बात करेंगे तो सत्य या असत्य उत्तर देगा तो 1/2 इसका भी, असत्य का भी क्या होगा, 1 - 1/2, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। सत्य उत्तर देने की प्रायिकता 1/2, और सत्य उत्तर नहीं देने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रायिकता के लिए, x = r पर NCR यहाँ पर हो जाएगा p^r और q^n-r। तो हम लोग यहाँ n का मान क्या लेंगे, तो n का मान हमारे पास पहले से 20 दे रखा है, 20 प्रश्न है ना जी, p का मान 1/2 और q का मान 1/2 इसमें रखते हैं। x = r पर क्या हो जाएगा, 20 CR 1/2 r और 1/2 r·20 अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 CR और 1/2 r·20, ये आपका x = r पर रहा। अब क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है कि कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर देता है, सही उत्तर देना, इसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो कम से कम 2 सही होगा, 2 से अधिक भी सही हो सकता है, यानी कि 2 और 2 से अधिक के लिए, यानी कि इसमें क्या करना होगा, x = 2 पर, x = 3 पर, 4 पर, ऐसे करके कहाँ तक जाना होगा, x बराबर में टोटल कितने हैं, 20 प्रश्न तक है ना जी, वहाँ तक लेना होगा। तो 2 पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 रखेंगे, 20 C2 1/2 r·20, 20 C3 1/2 r·20, और ऐसे ही करके 20 C20 1/2 r·20, 1/2 r·20। अब इसके बाद देखिए, इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम लोग 1/2 r·20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 C2 20 C3 20 C4 कहाँ तक आ जाएगा, 20 C20 तक। अच्छा, यही अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, सही उत्तर देता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 12 और 12 से ग्रेटर इसमें देना होगा। तो यानी p x = 12 पे,
13 पे, अच्छा, और उसके बाद कहाँ तक, ऐसे चल के 20 तक होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 पर क्या हो जाएगा, 20C12 और इंटू में 1/2 का पावर 20, 20C13 1/2 का पावर 20, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक ये चला जाएगा, 20C20 1/2 का पावर 20। तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं आसानी से किसको, 1/2 का पावर 20 को। तो यहाँ बच जाना है 20C12, 20C13, 20C14 कहाँ तक, 20C20 तक, समझ गए ना। तो यही आपका प्रायिकता हो जाएगा अगर 12 प्रश्न कम से कम सही उत्तर देता है तब, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5।